नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पहाड़ों पर भयंकर बर्फबारी और मैदानी इलाकों पर शीतलहर का सितम। कड़ाके के इस ठंड में भी देखिए यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जो कि 7 चरणों में होने वाली वोटिंग का शुभारंभ 10 फरवरी से है और इसलिए जनता को लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इस बार का देखिए यूपी चुनाव निर्णायक साबित होगा, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव का राजनीतिक करियर दांव पर है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के कंधों पर यूपी में कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। वहीं बसपा और कांग्रेसियों का सूरज ढलने की कगार पर है। ऐसे में नेताओं के देखे आरोप प्रत्यारोप से लेकर ज्योतिषों की भविष्यवाणी करने का सिलसिला भी जारी है। आज हम आपके लिए एक ऐसे ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी लेकर आए हैं जो कभी गलत भविष्यवाणी नहीं करते। हम बात कर रहे हैं जाने माने ज्योतिष फेस रीडर और भविष्यवक्ता पंडित जगन्नाथ गुरुजी की, जिनकी बीएस येदियुरप्पा के सीएम पद छोड़ने की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई थी। तो वहीं कोविड को लेकर भी इन्होंने जो कुछ भी कहा वो भी सच निकला। तो देखिए इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इन्होंने जो भविष्यवाणी की है वो सुकून देने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं योगी आदित्यनाथ के ग्रह नक्षत्रों पर। योगी आदित्यनाथ की कुंडली सिंह लग्न है और लग्नेश कर्म का कारक होकर सूर्य शनि और बुध की युति के साथ में विद्यमान है। सूर्य तेजवान है, सूर्य राजसत्ता का सुख देता है। जिसका लग्नेश कर्म भाव में हो वह व्यक्ति 100% किसी उच्च पद को प्राप्त होता है। योगी के पंचम भाव में गुरु स्वग्रही होकर विराजमान है। सप्तम भाव में राहु शत्रुहंता योग बनाता है। इनके शत्रु बनते रहेंगे लेकिन उनका हनन भी होता रहेगा। इनकी कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा है। सप्तम भाव में चंद्रमा जब होता है तो सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शत्रु ग्रह है और इसलिए इनका विवाह नहीं हुआ। भाग्येश मंगल एकादश भाव में तृतीय स्थान पर है। द्वादश भाव में केतु है। द्वादश भाव में केतु होने का अर्थ हुआ कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है और अंतिम समय में ईश्वर को प्राप्त करता है। 21 फरवरी से 2017 से इनकी केतु की महादशा शुरू हुई है, जो कि 2024 तक चलेगी। केतु की महादशा में ये पहली बार चुनाव जीते और अब भी केतु की महादशा में ही सीएम योगी चुनाव लड़ रहे हैं। 14 जनवरी 2022 से 24 फरवरी 2023 के मध्य में केतु की महादशा में शनि का अंतर होगा। इनका शनि भी कर्म भाव में है और इनके अच्छे कर्मों के आधार पर ही शनि इनके साथ न्याय करेगा। तो देखिए योगी की कुंडली में बैठे ग्रह नक्षत्रों में इस बार शनि की भूमिका सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि केतु की महादशा में उनको शनि की अंतरदशा है। कहते हैं कि शनि ही व्यक्ति को राजा बनाता है और मोदी को एक चाय वाले से प्रधानमंत्री बनाने के पीछे शनि की ही सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। ऐसे में इस बार योगी के राजनीतिक करियर में शनि क्या खेल करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले भविष्यवक्ता पंडित जगन्नाथ गुरु जी ने योगी को लेकर अपनी भविष्यवाणी में क्या कुछ बताया है ये आप देखिए। बीजेपी और सपा में सरकार बनाने के लिए कड़ा मुकाबला होगा, जबकि तीसरे स्थान के लिए मायावती की बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होने की संभावना है। मायावती पहले की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, उनकी सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो यूपी की जनता उन्हें एक निर्णायक नेता के रूप में पसंद करती है। अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदमों ने उनके पक्ष में काम किया है। योगी आदित्यनाथ को किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के अपने आप ही जादुई संख्या को पार करने की सबसे अधिक संभावना है। अखिलेश यादव की तुलना में योगी के जीतने की संभावनाएं प्रबल हैं, हालांकि कड़ा मुकाबला है, इसलिए रास्ता आसान नहीं है। ऐसे क्षण भी आएंगे जब उन्हें राजनीतिक लड़ाई और मुख्यमंत्री के रूप में संघर्ष करना पड़ सकता है। तो पंडित जगन्नाथ गुरु जी ने तो देखिए अपनी भविष्यवाणी में योगी आदित्यनाथ को यूपी का किंग बना दिया है, लेकिन क्या यूपी की जनता ऐसा होने देगी? इस पर आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। Thank you.
और लखनऊ के अंदर ही अगर हम देखेंगे तो लखनऊ में काफ़ी बड़े पैमाने पर यह ऑक्सीजन प्लांट यहां पर सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। खास तौर पर 36 ऑक्सीजन प्लांट जो है लखनऊ के लिए सैंक्शन हुए हैं, जिसमें से 29 क्रियाशील किए गए हैं, और जो न केवल बड़े हॉस्पिटल में SGPGI, KGMU, RML या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बलरामपुर में या सिविल हॉस्पिटल में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बल्कि CSC में भी हम लोगों ने ये सुविधा उपलब्ध कराई है, और ये सभी क्रियाशील होकर के ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने में सहयोग कर रहे हैं। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मेरी प्रदेशवासियों से इसी बात की अपील है कि वह कोरोना जैसी महामारी से घबराएं ना, इससे भागने की आवश्यकता भी नहीं है, बल्कि सतर्कता और सावधानी से इसका मुकाबला प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, इस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम इसका पालन करें। मैंने आज यहाँ KGMU के इस सेंटर का निरीक्षण किया है, ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, 350 बेड्स का ये हॉस्पिटल है, जिसमें 150 बेड्स तो केवल वेंटिलेटर से युक्त हैं, शेष में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ पर वर्तमान में कुल 35 मरीज भर्ती हैं, 35 में से केवल 4 लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, शेष सामान्य स्थिति में हैं, और उनका उपचार टीम यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके द्वारा की जा रही है। हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने, निगरानी समितियों ने कोविड प्रबंधन में बेहतरीन योगदान दिया है। इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वह देश के अंदर एक अच्छे मॉडल के रूप में उसको गिना गया, उसको देश और दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा कि सतर्कता और सावधानी से ही हम इस महामारी का सामना कर सकते हैं। एक दूसरा, हम लोग कोरोना से भागे ना, बल्कि भीड़ भाड़ में वाले स्थानों पर जाने से बचे। ये महामारी है, एक बीमारी है, बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को हर हाल में इससे बचाना होगा। शेष लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने के पहले मास्क लगा करके जरूर जाएं। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वे वैक्सीन जरूर ले लें, ये फ्री वैक्सीन है, सबके लिए वैक्सीन है। और जिन लोगों ने पहली डोज ले ली है दूसरा डोज जरूर ले लें। अगर बीमार हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, उन बीमार लोगों को, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, बूस्टर डोज के लिए जो निर्धारित समय सीमा है, अगर वह है उस समय सीमा के अंदर वह अपना बूस्टर डोज भी ले लेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोरोना जैसी महामारी उनका कुछ बिगाड़ पाएगी। उन्हें इन सब चीज़ों को एक बार थोड़ा ध्यान रखना होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि प्रथम और तृतीय लहर के दौरान उत्तर प्रदेश ने जिस मजबूती के साथ प्रभावी ढंग से अपनी पूरी यूपी टीम के माध्यम से, भारत सरकार के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से हमने कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन किया है, हम थर्ड वेव को भी उसी प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद जी।